तुमची मिमिक्री केली म्हणून तुमच्यावर गुन्हा दाखल होतोय. मी मिमिक्री केली? मी नाही केली हो मिमिक्री. मी खरंच इमानदारीनं, माय बापाच्या इमानदारीनं मी नाही केली मिमिक्री. मी असं म्हणते की समजा मी माझ्या आदिवासी भाषेत जर प्रश्न विचारले मोदीजींना, कळतील का? मी जर त्यांना म्हणलं, मोदीजी मेरी एक अडचण आहे, तुम्हाला को पूछने का है ना, दुःख भलन तुम यो बनिए की समझ में का उनको रिका बनन लगी है का नहीं से समझ में का उनको. अब अगर उनको समझाने का तो मेरे को उनके भाषा में बनने होना ना. मला जर बोलायचे असेल तर मला त्यांच्याच भाषेत सांगावे लागेल. मोदीजींना जर हिंदी समजते तर मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपकी पोती हूँ, 9 तारीख को मैंने आपको सवाल पूछा था, किंतु आपके लोग FIR दर्ज करके मुझे डराने धमकाने की कोशिश कर रही है. मैं फिर एक बार ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी से फिर एक बार बड़ी विनम्रता से पूछना चाहती हूँ कि मोदी जी आपने कहा था कि हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार दिलाएंगे, कहाँ है रोजगार? आपने कहा था हर एक के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, मेरे खाते में 15,000 भी नहीं है. मोदी जी हमारे यहाँ हर एक के पास सर्फिंग के लिए डाटा तो है पर खाने के लिए आटा नहीं है, क्या करेंगे? हमें आटा चाहिए, डाटा नहीं चाहिए. मैं प्रश्न विचारते चूक करती है का? इफ क्वेश्चनिंग टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज अ क्राइम, देन ओके आई एम क्रिमिनल एंड आई एम रेडी टू पे फॉर इट. अगर सवाल पूछना गुनाह है तो हाँ मैं गुनाहगार हूँ और मैं सवाल पूछ रही हूँ. किंतु अगर मैं फिर हिंदी में इसलिए बात कर रही हूँ ताकि मेरी बात आदरणीय मोदी जी तक पहुंचे. अगर मोदी जी ऐसे कहते हैं कि ये मोदी जी के कुछ भक्त लोग जो है, जो भक्त लोग कह रहे हैं कि अरे ती अशाच आवाजात बोलली, ती तशाच आवाजात, अरे दादा हो तुम्ही मला प्रश्न विचारताय, पंतप्रधान मोदी साहेबांनी तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या पश्चिम बंगाल मध्ये प्रचार करताना ममता बॅनर्जींच्या साठी दीदी ओ दीदी हे चाललं होतं तुम्हाला? एका महिलेचा अवमान करणारं, हेळसांड करणारं आणि तिच्याबद्दल अत्यंत निंदाजनक पद्धतीने बोलणं हे चाललं.